Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. चले जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो हम आपको डे थ्री में वेलकम करते हैं। जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, तमाम पार्टिसिपेंट्स को मैं वेलकम करता हूं अगेन इन माय सेशन, थर्ड सेशन जो आज डे थ्री है। सो इसमें आज के जो दिन पे, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द रिसिटेशन फ्रॉम होली कुरान। सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट मिस्टर, ग्रुप में नाम था मिस्टर समीउल्लाह, हाफिज समीउल्लाह जी। हाफिज अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी वालेकुम सलाम। प्लीज أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذب الثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم. جزاك الله. थैंक यू। बाद में ओके जी। थैंक यू सो मच। उसके इसके बाद नाज शरीफ के कुछ जो है वो आप अरसलान साहब जी। अरसलान भाई बाकी माइक्स को म्यूट कर दें। अस्सलाम जी जी। वालेकुम सलाम। हदीस पाक का मफहूम है कि जो कोई शख्स एक मरतबा मुझ पर दरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह तबारक व तआला उस पर 10 रहमतों का नज़ूल फरमाता है। तो जितने भी पार्टिसिपेट हैं सब मिलकर मोहब्बत और अकीदत के साथ दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअना नबीना करीमना व मौलाना मुहम्मद व आलिही व सहाबीही व बारिक व सल्लम सल्ली अलैहि। सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूला हमारा नबी, दोनों आलम का दूला हमारा नबी, दोनों आलम का दूला हमारा नबी। बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले, शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी, जिसके धोवन है आबे हयात, हे वो जाने मसीहा हमारा नबी, और खल्क से औलिया
आलिया से रुसुल खल्के से आलिया आलिया से रुसुल और रसूलों से आला हमारा नबी और रसूलों से आला हमारा नबी मांगने वालो हमको तो यूं चाहिए मांगना और किसी से भी क्यों चाहिए कौन दे ताहे देने को मुँह चाहिए कौन दे ताहे देने को मुँह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा नबी देने वाला है सच्चा हमारा नबी सबसे ओला वो आला हमारा नबी सबसे पाला वो आला हमारा नबी आपको जो है वो थोड़ी सी कभी कभी हम जो है रिक्वेस्ट क्या करेंगे इंशाल्लाह थैंक यू सो मच अरसलान भाई वंस अगेन सो आई वेलकम ऑल द पार्टिसिपेंट सो आज डे थ्री में जो हम चीज़ डिस्कस कर रहे हैं सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट तो मैं कोशिश करूंगा कि इन सिंपल एग्जांपल्स के साथ सिंपल वर्ड्स में समझा दूँ बुक्स की कहानी मुझे भी समझ में नहीं आती कि आप जो नेट वगैरह पे देखेंगे तो इसमें ये होगा कि मैं कोशिश करूंगा क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत सारे डिफ़िकल्ट भी होते हैं काफ़ी सारे टीचर्स को इसमें क्लियरिटी नहीं होती सो कोशिश करेंगे कि इन टॉपिक्स को क्लियर करके फिर ही जो जाएं जो मेरा सेशन होगा इंशाल्लाह इसके बाद भी जो फैकल्टी ट्रेनर्स वो आपको क्लियर करेंगे सो इसमें हम कोशिश करेंगे कि कैरिकुलम और उसके डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ कैरिकुलम इसको हम डिस्कस करेंगे आज के इस टॉपिक में जो मेरा टॉपिक सेशन होगा सो डे थ्री में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब आप इस चीज़ को समझ लेंगे तो बाकी सारी चीज़ें इस पर ही बेस करती हैं आपके तो कैरिकुलम के हवाले से आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग लाजमी है तो नो इशू आपको कुछ यहाँ पे नहीं आ रहा समझ में बुक्स वैसे तो आपको काफ़ी सारी इसकी डेफिनेशंस और ये सारी चीज़ें मिलेंगी मगर जो हम एक्चुअल सेंस में हम इसको डिस्कस करेंगे अपने कॉन्टेक्स्ट में वो इम्पॉर्टेंट है कि हमारे कैरिकुलम को और ये सारी चीज़ें सो इसके अलावा आज के डे के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं एक तो हम रिव्यू करेंगे द फ्रेमवर्क ऑफ नेशनल कैरिकुलम 2006 उसको हम देखेंगे सेकेंड थिंग इज़ दैट के वी विल अलाइन द कैरिकुलम कॉम्पिटेंसी स्टैंडर्ड बेंच मार्क एंड SLOs विद SLOs ऑफ द टेक्स्ट बुक्स सो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे इसको हम कोशिश करेंगे कि आप लोग कैरिकुलम को इसके साथ अलाइन कर सकें अपने टेक्स्ट बुक के साथ ठीक है उसके बाद सी कनेक्शन बिटवीन द टेक्स्ट बुक कंटेंट एंड कैरिकुलम ऑब्जेक्टिव्स जो हमारे SLOs हैं स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स तो इनके बीच में जो हम कनेक्शंस देखेंगे जो हमारे पास टेक्स्ट बुक कंटेंट होगा उसके अंदर तो उसके बीच में और जो हमारा कैरिकुलम है तो उसके अंदर जो ऑब्जेक्टिव्स गिवन है तो इनके बीच में हम देखेंगे कि इसके अंदर कनेक्शन क्या है और किस तरह ये जो आपका टेक्स्ट बुक है वो आपका बेस करता है आपके टेक्स्ट बुक कैरिकुलम के अंदर देन वी विल आल्सो रिव्यू द स्कीम ऑफ स्टडीज़ डेवलप्ड बाय द डकार जो SOS हम कहते हैं तो इस मोस्टली टीचर्स को स्कीम ऑफ स्टडीज़ की क्लियर कॉम्पिटेंस अंडरस्टैंडिंग नहीं होती मोस्टली क्वेश्चंस भी होते हैं इंटरव्यूज़ के अंदर भी तो इसके बारे में जिसका अगर मेरे सेशन में होगा तो मैं ही डिस्कस कर लूँगा इस चीज़ को उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें आज की उसके बाद एक्सप्लेन द नोशन ऑफ द एक्टिव लर्निंग क्या है उसके बाद आइडेंटिफाई द स्ट्रेटजीज टू प्रमोट द एक्टिव लर्निंग इन द क्लासरूम कि वो डिफरेंट एक्टिव लर्निंग स्ट्रेटजीज कौन सी हैं जो हम प्रमोट कर सकते हैं क्लासरूम के अंदर जिसमें काफ़ी सारी आपके पास एक्टिव लर्निंग स्ट्रेटजीज हैं थिंक पेयर ब्रेनस्टॉर्मिंग वगैरह वगैरह तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे कुछ सीखेंगे ठीक है जी उसके बाद डिज़ाइन एंड यूज़ लो कास्ट नो कास्ट इंस्ट्रक्शनल मटीरियल ठीक है तो जो आपको टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए कोई भी रिसोर्सेस आप बनाएंगे तो वो लो कास्ट एंड नो कास्ट कॉन्सेप्ट आप किस तरह जो है वो डेवलप कर सकते हैं
ठीक है, तो वो रिसोर्सेज आपके टीचिंग के लिए, चाहे वो आपके लर्निंग के लिए, बच्चों के लिए, तो वो हम किस तरह डिज़ाइन कर सकते हैं, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स और आपकी कुछ जो है एक्सरसाइज वगैरह आपको मिलेंगी, ताकि आपको कॉन्सेप्ट हो जाए कि आप किस तरह जो है लो कास्ट नो कास्ट मटेरियल डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, सो इसमें जैसे मैं इसमें आपको मेन चीज़ जो है वो आपका नेशनल करिकुलम 2006 है, इसको अंडरस्टैंड करना हमें इम्पोर्टेंट है, बजाय कि हम नेशनल करिकुलम की हिस्ट्री में नहीं जाएंगे। तो क्योंकि बीइंग अ टीचर हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि हम कैरिकुलम को समझें और कैरिकुलम को अलाइन करें अपने टेक्स्ट बुक से। सो मैं कोशिश करूंगा कि ये दो ऑब्जेक्टिव्स हम ट्राई करें कि अचीव कर सकें। सो मैं जस्ट रिफ्लेक्शंस के हवाले से जो सिंपल वेरी ब्रीफ आपके रिफ्लेक्शन होनी चाहिए, मैं यहाँ पे हैंड रेज आप कर लेंगे तो मैं वहाँ से पिकअप कर लूँगा, किसी की भी माइक ओपन ना हो तब तक, मैं जिसको कॉल करूँ जस्ट वो रिफ्लेक्ट करें ताकि हमारा सेशन स्मूथली चले। ठीक है, इसके अलावा सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट के जो आपने लिखी है रिफ्लेक्शन वही आप जो है वो रीड करें, व्हाट सो एवर जो आपने लिखी है, आप यहाँ पे अगेन आके जो है वो रिफ्लेक्शन अगर करते हैं तो फिर उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आप डाइवर्ट जो है वो कर लेते हैं। तो इसमें जो आपने रिफ्लेक्शंस लिखी हुई हैं, रिहाना 155, जी माइक को अनम्यूट करें एंड आप रिफ्लेक्ट करें। जी 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 वालेकुम सलाम मैडम, गल आयो physiology and individual psychology and individual difference and in last was in inclusive education. Oh. All these elements were very very effective and informative, so we learned a lot there. Thanks. Thank you. जी इसके बाद जो next participant है आयरुकेश सदाम हुसैन 14, सदाम हुसैन जी, सदाम प्लीज अनम्यूट योर माइक, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आल्सो प्रेस दिस बेल आइकन। जी फॉर अ गुड टीचर ओके ओके थैंक यू थैंक यू। ओके माइक वन म्यूट कर दें। जी इसके बाद मिस्टर वली मोहम्मद 05, जी वली मोहम्मद जी जी वालेकुम सलाम जी। सर आई फॉलोड योर वीडियोस फॉर मॉडल स्वान 1983। जी सर फ्रॉम देयर व्हाट डिड आई लर्न टुडे, आई लर्न अबाउट NPSTP 2009, द नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर एजुकेशन इन पाकिस्तान, द स्टैंडर्ड द स्टैंडर्ड्स ऑफ टीचर्स, quality of good teacher from Nistar Ahmed Dairi Sahab, and first century education, 21st century classroom, and its characteristics from Allah Nawaz Channa Sahab, and also I learned individual differences, physical intelligence, achievements, and individual education from Mir Hassan Dairi Sahab, and the next point is what went well. The sequence of all learning activities were very well. Every session had adequate knowledge about the topic. What could I have done better? Today I learned the new terms. My participation in all events was very well, and feel change in my knowledge better than the previous days. Right. Excellent.
थैंक यू नाइस जस्ट इसमें इसके बाद रुकेश हीरा नाज जी हीरा नाज लेकिन मैं बता देती हूँ कि मैंने कल क्या पढ़ा था। अच्छा। सबसे पहले जो मुझे जो वैसे तो काफी सारी नॉलेज हमें मिली जो हमें पहले पता भी नहीं थी, जैसे कि NPSTP जो है ये नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर इन पाकिस्तान। जी जी। ये सबसे जो हमें पता चला था कि ये बहुत ही 2009 में शायद आई थिंक आपने बताया था कि ये हुआ था। चले सही है। ओके थैंक यू। आपकी आवाज नहीं आ रही। इसके बाद आरुकेश मोहम्मद फराज जी मोहम्मद फराज वालेकुम सर। लास्ट पेपर सर हमने काफी कुछ सीखने को मिला जिसमें NPSTP भी और 21st सेंचुरी टीचर एंड इफेक्टिव टीचर्स की क्वालिटीज, गुड टीचर क्वालिटीज और सर इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में पता पड़ा। सही। इसके साथ साथ सर जी जी सर असल में सर जब हम ये बातें सीखी लेकिन कुछ इसमें जो सर मुझे जो कमी नजर आ रही थी सर वो ये है कि सर क्लास में बच्चों के साथ